पीलीभीत में लगातार हो रही बारिश से अधिकारियों की घोर लापरवाही के कारण मंडी में पड़ा सैकड़ों क्विंटल गेहूं भी कर बर्बाद हो रहा है। वहीं दूसरी ओर मंडी में क्रय केंद्रों पर अपना गेहूं लाने वाले किसानों का गेहूं मंडी में खरीदा नहीं जा रहा और न ही उन्हें मंडी में प्रवेश दिया जा रहा है। और तो और मंडी सचिव द्वारा खराब मौसम होने के कारण नोटिस चस्पा कर दिया गया है। किसानों की परेशानी देखते हुए किसानों के बीच जिलाधिकारी ने पहुंचकर उनसे बात की है। पीलीभीत की बीसलपुर मंडी गेट पर गेहूं क्रय केंद्र आए दिन किसानों के लिए मंडी में खराब मौसम होने के कारण गेहूं की आवक पर रोक लगाने की बात कही गई है। वहीं सैकड़ों किसान अपने गेहूं क्रय करने के लिए बरसात में सड़कों पर इंतजार मंडी में प्रवेश का कर रहे हैं, लेकिन किसानों को मंडी में प्रवेश नहीं मिल रहा और उनका गेहूं भी भीग कर खराब हो रहा है। क्या समस्या है, कितने दिन हो गए यहाँ पर खड़े? हम लोगों को 4 दिन हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे बारिश 2 दिन से बारिश भी हो रही है, और यहाँ सारे किसान भाइयों के गेहूं भीग रहे हैं। कोई कोई टैली अंदर भी नहीं कर रहा, ना कोई अधिकारी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ना कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बारिश में आप लोग कैसे खड़े होते हैं? बारिश में हम लोग उधर उधर खड़े रहते हैं जी, वो समस्या हो रही है खाने पीने की। आप लोगों का खाद्यान्न भीगा तो नहीं है? आप कई लोग भीग चुके हैं। तो देखा आपने, किसान मंडी के अंदर गेहूं को पानी से बचाने के लिए उस पर पल्ली डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गेहूं खराब हो रहा है। वहीं पल्ली डालकर गेहूं को सुखाया भी जा रहा है। लगातार किसान जिलाधिकारी से शिकायत कर रहे थे, इसको लेकर जिलाधिकारी पूरनपुर मंडी पहुंचे और किसानों से बात की और उनकी समस्या को सुना। डीएम ने किसानों को आश्वासन दिया है कि खराब गेहूं की जिम्मेदारी क्रय प्रभारी की है, क्योंकि पहले ही बोला जा चुका है कि गेहूं भीगना नहीं चाहिए, आप लोगों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। आज पूरनपुर मंडी में भी आके इस बात का जायज़ा लिया गया, क्योंकि पिछले 2 दिन से बरसात हो रही थी, कि हमारे किसान भाइयों का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर वो किसान यहाँ पे है, अपना गेहूँ ले आया है और वो सेंटर इंचार्ज की लापरवाही की वजह से गीला होता है या ख़राब होता है, तो पूरी तरह से सेंटर इंचार्ज उसके लिए जवाबदेह होंगे, है उनके ऊपर, उन्हीं से वो वसूली करा के किसान भाइयों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। ये चीज़ न केवल पूरनपुर मंडी में बल्कि पीलीभीत और बीसलपुर मंडी में भी दिखवाई जा रही है। आज तीनों मंडियों में सभी SDM से लगातार ये देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों में किसी किसान भाई का बारिश की वजह से नुकसान तो नहीं हुआ है गेहूं जो पड़ा है, क्योंकि ये पहले से निर्देश विभाग को दिए गए थे कि तिरपाल की व्यवस्था रखें और यदि बारिश होती है तो तिरपाल से उनको ढक जाना चाहिए। वहीं एक बार फिर धान खरीद की तरह गेहूं खरीद में भी पुलकित खरे जिलाधिकारी आ गए और किसानों की परेशानी को दूर करते हुए आदेश दिया कि केंद्र पर पड़ा गेहूं भीगना नहीं चाहिए, अगर भीगता है तो उसकी जिम्मेदारी अधिकारियों की होगी, उन्हीं से भरपाई होगी। फिलहाल इस बरसात में सैकड़ों एकड़ गेहूं भीग चुका है और जिसको क्षेत्रीय SDM सर्वे कर रहे हैं। पीलीभीत से प्रांजल गुप्ता, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।